हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो पर। यहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49568 वाली भर्ती को लेकर के। बहुत बड़ी अपडेट यहां पर निकल के आ चुकी है, बिग अपडेट है दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश और पुलिस 49568 के कैंडिडेट हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी मेडिकल को लेकर के इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार फॉलो किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और एक बराबर में बेल आइकन घंटी उसको भी दबा के और कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और सभी मित्रों वीडियो देखने के बाद शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। सारी जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस 49568 के कैंडिडेट हैं या फिर आप अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, तो वो हमें कमेंट करके बताएं कि अदर स्टेट से कौन कौन कैंडिडेट हैं, जिससे उनको भी जानकारी देने में हमें दिक्कत ना हो, जिससे उनको भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49568 वाली जो भर्ती है उसके बारे में। काफ़ी अच्छी और बढ़िया भर्ती है दोस्तों। यूपीपी इससे पहले भी दोस्तों एक भर्ती हो चुकी थी 41520 की। अब दोस्तों इसका नंबर है, अब 41520 है, उस भर्ती का यहाँ पर दोस्तों समापन होने की ओर है। इस भर्ती का जो पीओपी है वो 30 जुलाई को यहाँ पर दोस्तों कंफर्म कर दिया गया है, 100% अब ये 30 जुलाई को होगा। और साथ में दोस्तों एक अपडेट और आपको बता देते हैं, यहाँ पर महिला कैंडिडेट थे, यानी कि 200 के करीब महिला कैंडिडेट थे जिनका पीओपी दोस्तों प्रयागराज के अंदर कराया गया है, यानी कल प्रयागराज के अंदर उनका पीओपी पासिंग आउट परेड गई है। यहाँ तक दोस्तों जानकारी प्राप्त हुई है अखबार के माध्यम से, उसमें बताया गया है कि ये पीओपी कराई गई है। कुछ महिला कैंडिडेट थीं जिनका यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी, उनका पीओपी यहाँ पर करा दिया है। अब दोस्तों अगला नंबर है 41520 का, जो कि पीएससी वाले कैंडिडेट हैं, 70,000 कैंडिडेट हैं। अब उनका पीओपी जो कराया जाएगा वो 30 जुलाई को यहाँ पर कराया जा रहा है। 30 जुलाई को समाप्त होने के बाद अगला जो टारगेट होगा भर्ती बोर्ड का, वो भर्ती बोर्ड की तैयारियां सिर्फ और सिर्फ 49568 वाली वैकेंसी पर हैं, और इसका सब कुछ यहां पर कंप्लीट हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है, और यहां पर 15 जुलाई को भी मीटिंग दोस्तों हो चुकी है, जिसके आधार पर मीटिंग करने के बाद जो भी वैकेंसियां थीं उनके आधार पर चर्चा की गई मीटिंग के द्वारा, और पुलिस मुख्यालय को सब कुछ वहाँ पर विस्तारपूर्वक लेटर के द्वारा भेजा गया। और उसमें 49568 जिसके अंदर 31,360 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर सिविल वाले हैं, और बाकी के जो और भी कैंडिडेट हैं बचे हुए वो 18,000 जो पीएससी के हैं उनके भी यहाँ पर जिक्र की गई थी। साथ में दरोगा भर्ती है, वो 5800 पदों पर दरोगा भर्ती की भी चर्चा की गई मीटिंग के अंदर। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया अब तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अभ्यर्थी यहां पर लगभग 4 महीने हो चुके रिजल्ट को जारी हुए। फाइनल रिजल्ट इसका आ चुका था सिविल एंड पीएससी का कन्वर्ट होकर के। अब यहां पर अभ्यर्थियों को आशा है कि हमारा मेडिकल अति शीघ्र से यहां पर जल्दी कराया जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से बहुत सारे नोटिस भी जारी किए गए थे। 16 जून को नोटिस भी आया था जिसके अंदर जो 23,520 है वो सिविल पुलिस यानी कि मान के चलिए 23,520 प्रशिक्षण की मांग की गई थी, जिस पर सभी सेंटरों से कहा गया कि 28 जून तक आप सारा ब्यौरा हमारे यानी कि भर्ती बोर्ड को सौंपें, कौन कौन यहां पर कितने अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग यहां पर होनी है। ये सब कुछ क्लियर हो चुका, अब अभ्यर्थियों को सारा कुछ इंतजार है कि मेडिकल नोटिस के ऊपर फोकस है, नोटिस के ऊपर कि मेडिकल का नोटिस कब तक आएगा। तो मैं अब क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ सभी स्टूडेंट को, जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। मैंने कई अपने साथियों से पूछा, कहीं जो भी हैं उनसे मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे जानकारी प्राप्त करके बताया कि जो मेडिकल का नोटिस है वो आपको लिए 27 तारीख तक देखने को मिल जाएगा, और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों स्टडी अप टाइम जब भी न्यूज़ देता है तो आपको एकदम ऑथेंटिक ही प्रोवाइड कराता है। जैसे अब तक जानकारी जो हमें मिलती आई है उस आधार पर हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है, ना कि दोस्तों अपनी तरफ से कोई भी जानकारी प्रोवाइड कराई है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको आदत होती है, कुछ हेटर्स होते हैं जिनको आदत होती है, यानी कि जो उनको कहना है तो वो कह जाके कमेंट बॉक्स में चले जाते, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम दोस्तों। आप कह सकते हैं आपकी बदौलत इतना ये चैनल बड़ा हुआ है, आपने सभी ने प्यार और सपोर्ट किया है, तो आपका कहने का भी हक है, हम उसको भी सुनेंगे दोस्तों, और हम आपको जानकारी भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप स्टडी अप टाइम से
प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो आप तो को दोस्तों कहने का भी यहाँ पर हक है, क्योंकि हम जब भी आपको न्यूज़ देते हैं तो सभी के लिए हम न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, ना कि एक कैंडिडेट के। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि अपना ही भला हो। हम सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारा ये परिवार है स्टडी अप टाइम, जो कि आप सभी लोगों ने इतना बड़ा और अपने प्यार की वजह से इतना पहुंचा जाए, दोस्तों ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करती रहिए और इसे और भी आगे बढ़ाइए, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी जो है वो प्रोवाइड करा सकें और आने वाले दिनों में आपको लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करा सकें। जैसे कि जेल वार्डर फायरमैन भर्ती है, उसका भी दोस्तों सोच रहे हैं, साथ में बहुत सारी भर्तियाँ जो आने वाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इंडियन आर्मी की भर्ती है, ये बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, रेलवे NTPC की भर्ती है, जिससे आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं, जल्दी से जल्दी दोस्तों 1 मिलियन तक आप हमारे टारगेट को यहां पर पहुंचाएं। जैसे हम आपको लाइव यहां पर आएंगे दोस्तों और लाइव आपके साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, साथ में दोस्तों प्रधानमंत्री से जुड़ी योजना भी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी होंगे वो सभी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आते हैं मेडिकल के ऊपर। जो 49,500 स्क्वायर फुट का जो मेडिकल है वो यहाँ पर आपको बहुत जल्द ही, जो अगस्त का महीना है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में अब तो कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम अगर मेडिकल स्टार्ट भी हुआ है तो कम से 20 दिन का तो समय चाहिए चाहिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जानते हैं 20 से 20, क्योंकि पहले मेडिकल जो होता था वो लगभग 1 महीने चलता था और कम से कम 1 महीने ही दोस्तों आपका फिजिकल चलाता है, ये सभी अभ्यर्थी इस बात को जानते भी होंगे। तो उसी आधार पर ये जो है आपका जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो अगस्त के 1st वीक से यहाँ पर शुरू करने की अपडेट यहाँ पर आ रही है और अगस्त से ही शुरू होगा, जो कि 1st वीक से यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी। स्टार्टिंग होने के बाद कम से कम मान के चलिएगा 20 दिन इसका मेडिकल में लगेगा, और मेडिकल 20 दिन लगने के बाद जो उसके बाद रहेगा शेड्यूल वो सिर्फ टारगेट रहेगा JTC पर। JTC भी दोस्तों आपकी बहुत जल्दी कराई जाएगी, जिसके अंदर आपको JTC के बारे में सब कुछ जो प्रणाली है वो विस्तारपूर्वक आपको समझा जाएगा, जिसके अंदर JTC के अंदर भर्ती बनवाना, PNO नंबर आवंटित करवाना, साथ में आपका बैंक अकाउंट है वो भी खुलवाना, और अपने जितने भी जो है सिस्टम, यानी कि अपने JTC पर जाते वक्त आपको बक्सा फक्सा लेकर के भी जाना, सारा सामान लेकर जाना, तो उसमें भी दोस्तों टाइम लगता है। मेडिकल की रही बात तो मेडिकल पर ही फोकस है भर्ती बोर्ड का, और तो कुछ करना ही है, बाकी जो वैकेंसी आ रही है उनका टारगेट रहेगा सिर्फ एग्ज़ाम पर। यहाँ पर जेल वार्डर का भी एग्ज़ाम होना है, साथ में यहाँ पर जेल वार्डर एग्ज़ाम के बाद UP दरोगा जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उस पर दोस्तों भर्ती बोर्ड की नज़र है, जिस पर दोस्तों यानी कंपनी का चयन किया जा रहा है, वो कंपनी चयन होने के बाद आवेदन यहाँ पर भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मेडिकल के जो अभ्यर्थी चिंता कर रहे हैं बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर बात करें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट की, तो जो भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो मेडिकल के बारे में सोच रहे होंगे कि हमारा मेडिकल कहां पर किया जाएगा, किस जगह, हमको कैसे जानकारी मिलेगी, तो दोस्तों वो भी आपको बताएंगे हम। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अदर स्टेट से कौन कौन अभ्यर्थी हैं, जो कि हमको भी पता चल सके, और अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका नज़दीकी जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा वहाँ पर आपका मेडिकल यहाँ पर करा दिया जाएगा। जैसे कि आप UP पुलिस के जो कैंडिडेट हैं उनका भी मेडिकल दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पर ही कराया जाएगा, और साथ में रही ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग का दोस्तों अभी फ़िलहाल में UP के अंदर जो शेड्यूल बन रहा है वो लगभग 20,000 कैंडिडेट का जो शेड्यूल यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटरों ने जो क्षमता के आधार पर, किसी ने 250 की क्षमता थी तो उसने 200 की क्षमता भेज दी है, किसी को 450 की क्षमता थी तो उन्होंने 450 ही लिख करके भेज दी है, तो सभी का जो एवरेज निकाल के देखा जाए तो कम से कम मान के चलिए 20,000 लगभग कैंडिडेट दोस्तों जा सकते हैं ट्रेनिंग पर। बाकी के जो बच्चे कुछ कैंडिडेट होंगे वो भी दोस्तों बिल्कुल जाएंगे अदर स्टेटों में, क्योंकि अदर स्टेट के अंदर दूसरे राज्यों में पुलिस की है वो ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पर चल रही है, जैसे कि अदर स्टेट में जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उसके बाद दोस्तों और बात की जाए आगे भी और ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, उसके बाद असम में भी दोस्तों ट्रेनिंग कराई गई थी, बाकी और भी राज्य हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग कराई जाती है। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, एक लाइक करके सभी मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हर भर्ती के अपडेट की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। मेडिकल की रहा नोटिस तो बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को गुड न्यूज़ अब जल्दी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही आपको यूपी पुलिस रिगार्डिंग हर भर्ती के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते हैं।